अपनी कोई कार्रवाई नहीं गई थी, मेरा बेटा उठा लिया इसलिए मैंने फिर दिया था। उसके बाद भी सास ने वहाँ जाकर कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने बोला अगर आप तू नहीं देगी तो तेरे को तेरे बच्चे को मार देंगे। अगर मुझे ये सुनाई दे जाए सर, ये हटा दीजिए सर, हटा दे, हटा दे, हटा दिए सर, हटा दे, आपने क्या हटा दिया? एक मतलब अगले तक नहीं करना, दोनों तरफ काल करूँगा, दोनों। कैथल के जिला सचिवालय में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने शिरकत की। जहां मूलचंद शर्मा का स्वागत उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया व एसपी मकसूद अहमद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लगभग 16 शिकायतें रखी गई हैं और इन शिकायतों में दो पुरानी भी बताई जा रही हैं। लेकिन आज देखना ये होगा कि परिवहन मंत्री इस मीटिंग में क्या कुछ कार्रवाई कर जाते हैं और कितनी शिकायतों का निपटारा करते हैं, ये तो अभी फिलहाल मीटिंग में पता चल पाएगा। लेकिन आज कुछ बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब की बार देखना होगा कि जो आदेश पिछली मीटिंग में दिए गए थे उन पर कितने अधिकारियों द्वारा अमल किया गया है और कितने अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई जो है वो की गई है। उत्तर श्री रोशनाम निवासी मिशन जिला करनाल साथी ने अनुरोध किया है कि गांव सुजुमा में उसकी जद्दी जा जाती, जिसको राजेंद्र प्रसाद पुत्र रोशनाल विजय कुमार, विजय कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी का वार्ड नंबर 5 मिशन जिला करनाल है। प्रार्थी के पिता को बहला फुसला कर कपड़ा देवी पत्नी खजान सिंह निवासी बिल्लो वाली जिला कैथल को 60 लाख रुपये भेज दिए। संबंधित विभाग पुलिस अधीक्षक विनती है कि आपकी कृपा से जो मेरा केस था इसको 40% हल होने की मेरे को उम्मीद हुई है और इससे आगे इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। 40% बापू है अभी 12 लाख 5 लाख के देने के हुए और उसमें कितनी कंडीशन है बताई गई है। पूरा अरे पूरा काम हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी, मैं और क्या चाहता हूँ आपकी चरण वंदना करूँगा मंत्री जी, अगर मेरा पूरा काम हो जाएगा। आप ड्रॉप करते नहीं इसको? नहीं खत्म ना करो जी, रखो जी। 40 हो गया 60 हो जाएगा, शुरुआत हो गई है ना, शुरुआत हो गई है की अरे शुरुआत के सदी का नहीं थी ये प्रशासन के सिरे उठ सिर मेरी शुरुआत भूतपुर सैनिक निवासी गांव गोबर सर। इस केस में सर इसकी नॉर्मल था सर, इसमें एक साथ मीटिंग भी लगाई थी कि वो दोनों पक्षों को सुन के और डिसीजन ले सर। तो सर इसमें एसडीएम साहब शब्दों के टीम को वायरल है तो उन्होंने इसको पेंट करने की कोशिश की विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
रिक्वेस्ट की वजह से जो सीनियर का सर ये जो कार्रवाई हो रही है तो जो कार्रवाई करनी थी वो तो इन्होंने कर दी। अब के सीनियर तो ये कह रहे हैं पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं है वो तो सीनियर साहब को ऐसा नहीं पर जवाब कोर्ट केस चल रहा है सर ओके सर ये सर इसमें ना पुलिस ने पहले 304 एक मुकदमा दर्ज करके दोषियों को बेनिफिट देने के लिए 2 साल तक का काटने के बाद में इन्होंने सेक्शन चेंज किए और ये आईओ था जो इसमें ये बिल्कुल दोषियों के साथ मिला हुआ है और इसमें सेक्शन इन्होंने 304 एक पर्चा दर्ज करने के बाद 2 साल मिलने के बाद डीएसपी साहब ने दोबारा जाँच करके 304 सिंगल लगाई गई है तो इनमें दोषी जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा दें और ये जो डॉक्टर है इसके पास कोई किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है कम से कम 15-20 लोगों की मृत्यु कर चुके हैं ये और आज भी ऐसे ही हॉस्पिटल चल रहा है इसका कोई किसी प्रकार की कोई डिग्री सीएमओ साहब की नहीं सीएमओ साहब हमारे कॉल कर लीजिए मुझे लिखा भी गया सर ये झोला छाप डॉक्टर है जो कि सीएमओ के पावर में नहीं आते हैं ये झोला छाप डॉक्टर है उसके पास कोई डिग्री नहीं है सर अदरवाइज सीएमओ सर वुड हैव रिटर्न टू द मेडिकल काउंसिल तो फिर इन पे क्या पुलिस एक्शन ही होगा यस सर पुलिस एक्शन कोर्ट में चल रहा है यस सर पुलिस एक्शन होगा क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर है और या तो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर या फिर पुलिस जी सर सर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं दिखा दीजिए और ये तो कि पुलिस ने ना 304 बंदी थी 304 ही बता दी और 2 साल से वो आगे नहीं आ रहा है मैं ये चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल उसी में आज भी चल रहा है और उसके बाद भी एक मृत्यु हुई है मैंने जिसको देख ले एक लेडी जो हमारी लेडी आ रही है कम से कम 20 लोगों ने क्या है किसकी तरफ का कलाइट में कलाइट का है बड़ी सीकरी काम कलाइट में सबको समाधान निकाल के हमें हमें किसको सब का देख लेते हैं पुलिस में सर आइए आप एक मिनट नहीं आपका मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट का केस है ठीक कोर्ट की डायरेक्शन क्या है समझ में नहीं आपने कोर्ट की डायरेक्शन क्या करिए हॉस्पिटल के लिए कोई मान लो उसमें बिना अपने डॉक्टर नहीं होगा बिना डिग्री के नहीं होगा तो बात नहीं करें अगर आज मान लो मैंने हॉस्पिटल डाल दिया मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेरे 10 डॉक्टर उसके पास नहीं सर उसके पास कोई भी डॉक्टर नहीं भाई आपको 1-2 घंटे के लिए हायर करते हैं मैं कहा मैं 2 घंटे के लिए डॉक्टर हायर कर लिए इसकी पूरी जानकारी इसकी रिपोर्ट लेते हैं अगर कोई इस तरह का मिलता है जो आपका आरोप लगाया इस तरह का मिलता है तो कार्रवाई अवश्य करेंगे सर मेरे को तो 2 साल हो गए नहीं आपको 2 साल में मेरे पास तो आ जाएगा नहीं है सर मैंने कितनी बार बोले मेरी मीटिंग में लगा दी आपको आपने बोला था नहीं लगाया नहीं इसको आप लगाए डीसी साहब आपका बहुत धन्यवाद आपने लगाया पहले आपसे पहले मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जब आपने लगाई और तुरंत आपके मामले में कार्रवाई इससे पहले मेरे पास काफी हुआ मेरा राजकोम सर उसी एक्ट में तो राजकोम कम से कम मेरे पास 100 पड़ी है निकलने अगर प्रॉब्लम है मैंने एसपी साहब हां मैंने इसके ऊपर एसपी साहब को लेट कर दिया इस पर की बात कर सकते हैं एक ये भी लग रहा है कोई आदमी ड्रेस से किसी कार्रवाई ड्रेस में
व्यापार ये नहीं कि देश में कोई आदमी किसी ग्राम को रोजगार ना मिले, लेकिन किसी तरीके का ऐसे नहीं किसी ने दे दिया पुलिस के अधिकारी देखेंगे किस धारा के तहत हुआ क्या करना है, देखते उसे करते कराते जिन्होंने अनुरोध किया है कि वह पूनम तहसील मुहत जिला समूह का स्थायी निवासी है, उसके पुत्र जयपाल नायक को कथित जिले सिया ब्लॉक के ले जाया जाए तथा यमुनानगर आवर्तन नहर के पास गला रेत कर हत्या कर दी गई, इसकी शिकायत उन्होंने सिविल थाने में की है। पुलिस विभाग उसको यमुनानगर ले गए, यमुनानगर थी 17 जनवरी 2021 को डेड बॉडी मिली थी गाड़ी में नहर के पास, अब तक इसका कोई सुराग नहीं चल गया। करते इसका मंत्री जी बारे में दरखास्त है जी, जो उनकी रिक्वेस्ट कॉल हुई हुई है जी उसकी डिटेल कटवा लो, उसे तो पता था लगा जी उसका लोग वैसे एसपी साहब फोन करके बुलाया गया जी, इसको तो पता लगना चाहिए था, अभी बड़ा लंबा टाइम हो गया, बहुत बढ़िया लगता है। जिन्होंने अनुरोध किया कि उनके साथ जनाब थाना 10/2020 को गांव गुना में झगड़ा हो गया था, जिस बाबत उन्होंने थाना जैतन में आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 0300 जनाब 20/10/2021 दर्ज कराया था। इन झगड़े से प्रार्थी के पिता को चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन विभाग के आला अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, संबंधित विभाग को उनको शामिल जांच कर लिया था कोर्ट के अनुसार, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं कराया, उनके 24 दिन को उनका रिप्लाई उनकी बैंक डिसमिस के लिए हाईकोर्ट में रिप्लाई की, DSP कल्याण द्वारा इसकी जांच की मुझे तो मतलब ये दीपक को ठीक है कोर्ट काम डॉक्टर राजी ने अनुरोध किया है कि गांव भुजला के गांव तथा घेरा ग्राम और बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकारी पूरी बनी थी, लेकिन बलवंत सिंह गुरवंत सिंह पुत्रा मक्खन सिंह सतराम सिंह हरजीत सिंह आदि ने दिनांक 25/2/21 को रात को JCB ने सदा ट्रैक्टर की मदद से उसे बंद कर दिया। नमस्कार सर, मैं अपना गुल्ला से बाहर से बोल जाती है जी, सत्य घड़े के पास दो कुड़ियाँ लगी हुई हैं, अभी जनवरी में लगी हैं पूरी, दूसरी पार्टी ने आगे बांध बुला दिया है जी दोनों कुड़ियों के आगे, कृपा करके बांध हटाया जाए, आगे बरसात का टाइम आने वाला है, काफ़ी फसल का नुकसान होता है जी। मैं आपको सर 10 मिनट की बताना चाहता हूँ, ये पूरी मीडिया की जो मिट्टी डाली हुई है बंद बुलाया जाए। ये दोनों कलर के सर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, अब तो खोल दे ना हमारे पास ये इधर ये आवेदन ले ये देखो आप पेंशन है किससे है ये सारी आपके बाद 200 नहीं जी मिट्टी ये मिट्टी आगे दे रहा है आगे
ये देखो ये पूरी जो है इसी है ये पूरी फोटो इधर से भेजा आपने से बस फोटो भेजा है तो इसकी बात ले ये देखो सरकार ये होती बना रखी है नहीं सर ये देखो आप ये हमारे वाली साइड है ये उनकी साइड है की आगे होती बरसात आ रही है पानी नहीं रुकना चाहिए वैसे भी हटवाते ही हैं मतलब हम पानी मानो आपका वो इस तरह की प्रोजेक्ट मानो खुले होते कई दिन कर दिया सरकार को तो पानी भरेगा तोड़ देंगे भाई इतने पीरो की जमीन सर नहीं है ये प्राइवेट जमीन है सर अरे बताओ यार कितनी इसमें बची है सर पाँच फुट टोटल है यहाँ डेढ़ से दो फुट दो फुट है ना निकल जाए आप क्या परेशान दो फुट का है ना ढाई फुट का दीवार को कौन बना कर रहा है दो फुट जमीन है निवासी नौजवानों ने अनुरोध किया है कि उनके साथ हजवाड़ा में दलवीर सिंह तो श्री गुलाब सिंह नगर कमा सोलह साल से प्रजाति रखा पर बिना किसी कागजात के बिजली का कनेक्शन चलाए हुए हैं मुख्य कनेक्शन भाई बिजली विभाग के पास कोई सबूत नहीं है और ना ही विभाग के अधिकतम अधिकारी उपयोग कनेक्शन से इंकार नहीं करते हैं सुखी सिंह जमीन कितनी है आपकी उस टाइम रहने कितनी है जी देखो हमारे पास तो एक किला है हमारे पास तो कितने साल से है उसको ये नहीं पता कितने बूढ़े भी आदमी कम से कम 50 तो पक्के होंगे जब हम मैंने स्टाउन ठावर किया होंगे ये नहीं हमारे पैदा होने से पहले कनेक्शन आपने वेट था नहीं वो तो निचले कनेक्शन लिए हुआ क्या मैंने हाँ जब ये असली जमीन है जी ऐसे है जी जब पहला फोन तो पूछे थे खड़ा हुआ कनेक्शन पर आते दे दे दी जाए ताऊ देवी लाल आ गया 5000 में ले लो कनेक्शन 5000 दस हजार नहीं पड़ा दीजिए रसीद पर पहले जो मतलब वो आगे 88 को बिल आता है हां बिल है बिल पर है बिल पड़ते हो हां बिल पड़ते हैं रसीद नहीं तो तुम लोग खाली सर रखा भी सर ये लगभग जैसे हम मैंने साफ कर रहे हैं शिफ्ट करा दो जी सर ये ग्राम पंचायत की जमीन पर कनेक्शन है सर हमारे मेटल इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर मलकियत हमारी होगी तो हम लोग कनेक्शन दे देंगे ऐसे बताओ इनके दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे एक्शन साहब जी सर आप जब उनका बिल देते हैं तो आपको आपने 50 साल पहले दिया जब पहले हमने कभी 50 साल पहले कलेक्शन दिया होगा तो ग्राम पंचायत की जो भी हजवाड़ है उसके नाम से उन्होंने शायद अप्लाई किया होगा उस टाइम रूटीन में कलेक्शन दे दिया मलकियत इनके नहीं है सर नहीं अगर सर ग्राम पंचायत अप्लाई करेगी हम उनको दे देंगे और उस कर देंगे सर हम तो एक चीज की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हम नीचे अपने कर लेंगे और इससे हम फालतू नहीं कुछ भी कर सकते हालात में जो बाइलाज हैं वो इनको अलाउ नहीं करते हम एज ए स्पेशल केस इसको कमर्शियल में भेज के देख लेंगे जिसका मालिकाना हक जिस जमीन में है एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल
और दूसरी जगह भी उसके मां निकालना हक है जमीन पर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा सकता है, अदरवाइज अभी एग्जिस्टिंग बायलॉज परमिट है इसको एज ए स्पेशल केस। जिस जगह कनेक्शन दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं नहीं वो तो सर जिन्हें 3 साल का कनेक्शन दिया आप उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं वो कर देंगे सर, वो बिल्कुल 3 हजार रुपये क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं रोक नहीं आप रोक बता रहे हैं ना एज ए स्पेशल केस इसको हम भेज देंगे सर, अगर वहाँ से अलाउ होके आ जाओ तो हम कर देंगे। अलाउ करा दो। नहीं कराओ और हमारे एमएलए साहब भी बैठे मौके पे आप झूठ से बोल रहे सर, हम ये कह रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है नीचे कर लेंगे हम शिफ्ट करवा दो। वही करा दो वही समझदार है। एमपी कौन है आपका? जी सर एमपी कौन है? साकेत। एमपी साकेत कुमार। साकेत कुमार से तो अभी फैसला कर लेते हैं। मिलान साकेत तो एक महीना के फल यह कहना चाहे कि आपकी कर्मी रामलाल श्यामलाल देवी की 50 साल तक कनेक्शन है आपकी जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। इसको तो एस सी साहब कराओ भिजवा नहीं, इसमें एस सी साहब आप जी सर जी साहब तो सारे जी जी करा दो अगली उस तक करके मुझे बता दो बाकी तो करते हैं उससे ड्रॉ राइट। आप कनेक्शन दिलाई दे कनेक्शन सीधा खाने के दाने हो जाते हैं और कुछ नहीं आप कैसे नहीं हुए हैं उसमें बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके साथ मजदूरी दी गई है। सर इसकी अध्यक्ष महोदय इसकी 2 बार जांच नोटिफिकेशन पंचायत अधिकारी के द्वारा की गई है, पहले श्री अजीत सिंह द्वारा और अभी श्री श्यामलाल जी द्वारा। सर इसने 10 दिन का उनका मजदूर निकाला गया था सर, मेहर का काम था सर, इसमें 102 मजदूर लगे थे, 3 दिन में कार्य पूर्ण हो गया सर, क्योंकि फरमाइश के हिसाब से काम होता है सर, अगर मेहर का कई बार काम जल्दी पूरा हो जाता है हम मजदूर पूरा निकालते हैं सर जितनी भी डिमांड आती है, कई बार मौके मजदूर कम आते हैं सर, मतलब हमने 150 का निकाल दिया सर मौके पर, लेबर लेबर 30 आती है, कई बार 40 लेबर ज़्यादा भी आती है तो उसको हमें सबका निकालना पड़ता है। कंप्लेन संतोष थे सर, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम संतोष के कर सकते। मनरेगा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है लोगों का। नंबर है सर, बोल रहा हूँ मैंने बात बात करा
कुकर में डाल दो, कुकर में होना चाहिए। एक बार मंत्री जी बात करेंगे, ये मंत्री जी कहते हैं स्पीकर होने से पर दबाव होना पड़ेगा। मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री क्या पाए क्या क्या है कि मेंबर के लिए है, सपा के लिए है, आप लोग है तो फिर आप बाहर चले गए, तो बाहर आने के मतलब कोई बात हुई आपकी इनसे अपने अधिकारी से? आपने जिन से कंप्लेंट आई इनकी संतुष्ट है क्या? सर कि इन्होंने कुछ काम कराए हैं जिस पे लेबर नहीं लगी और उनके खातों में जारी गई है। सर इसकी जांच तत्काल वीडीपीओ अजय सिंह द्वारा की गई थी, मौके पर इनको भी बुलाया गया था और जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की कि जिन्होंने काम नहीं किया उनको बुलाया गया था। इन्होंने भी खुद उसमें काम किया है सर, इनकी पत्नी ने भी काम किया है। सर मैंने कोई काम नहीं किया सर, एक मिनट बहुत ना बोल रहे। हाँ मैंने कोई काम नहीं किया और मेरे जैसे कम से कम 150 आदमी ऐसे जो कभी काम ही नहीं करो पैसे करके और मेरे पास सबूत है सर। आपका मंत्री के लिस्ट में नाम है, कितने पैसे मिले आपको आपके नाम से? मैं दो अध्यम दो एक नाम से भी गए 17,000 रुपये चार इसके नाम से कितने 17,000 रुपये बता रहे हैं 17,000 सर। इनकी वाइफ के नाम से भी, इनके नाम से इनके साइन भी है मजबूत पे। साइन भी है? साइन तो पहले काम के लिए देते 17,000 कभी ना जब जब मैंने काम ही नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया सर, ना मेरे को किसी ने बुलाया ना मैंने काम किया। करवाई इनसे थे आपसे? हाँ जी करवाई इनसे थे। वो तो लिस्ट पे करवाई सर, जैसे सारे लिस्ट पड़ी है मेरे पास पे सर। अरे कौन अधिकारी आया आपका सिर्फ बताइए, साइन करने तो आया होगा? साइन करवा दो सर, मेट नहीं करवाएंगे सुभाष मेट सर, सुभाष सुभाष मेट है जी, मेट सुभाष मेट होता है सर, वहाँ नहीं लगा जी मेट। तेरे खिलाफ होनी चाहिए जितना बढ़िया काम तेरे काम में हो रहा पूरे हल्के में इतना बढ़िया काम। आपके काम में जो काम काम हुआ नहीं सर, तो हम इसने अधिकार से काम किया आपके वहाँ काम बहुत आप नहीं सर, वहाँ पे जेसीबी से ट्राई की गया और दिखा गया जेब देखा जेसीबी चली है वहाँ पे और टाली से काम कराए गए। ये फोटो आपके काम के हैं? हाँ जी ये फोटो है और तो है वैसे चला कि मैंने ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं चला चला जी, पर जिन लोगों ने काम ही नहीं किया उनके पैसे क्यों डाल दिए? आपकी सरकार तो ठीक पड़ रही है। हाँ ठीक है जी, सरकार से संपर्क कैसे है? बढ़िया ठीक है जी, पर सर एक 18 साल से गाँव में रहता और उसके भी पैसे वहाँ पे दिखा दिए काम दिखा दिए वहाँ जो गाँव में रहता, अब कहो पे मेरे पास उसकी रिपोर्टिंग अभी मैं गाँव में रहता हूँ कहीं भी काम करूँगा मैं गाँव में पैसे मिलते हैं मेरे पास से मिल सकते हैं सर, अभी हाँ गाँव में रहता हूँ और पैसे गाँव में सर पदरे डाल दिए कैसे करेंगे सर? चलने के लिए
सर प्रार्थी ने निशानदेही के लिए कहा था, जिसके अंदर इन्होंने निशानदेही के लिए कानूनों को एक एप्लीकेशन लगाई 25 लाख निशानदेही के लिए आपको भेजे, जिसमें हमारा बागे सुपरवाइजर भी ऐसे पार्टी कहता था कि ऐसे पार्टी है, हम लोग जब आगे तो वहाँ पे झगड़ा हो गया, इस वजह से वहाँ निशानदेही नहीं हो पाई। तो 7 अप्रैल को सर उप तहसीलदार कार्ड ने SDM कैथल को लिखा पुलिस फोर्स के लिए, वो पुलिस फोर्स मिलने के बाद ही अब नेक्स्ट निशानदेही हो पाई। जो प्रार्थी ये कह रहे हैं कि वो रास्ता चलने का है, वो रास्ता चलने का नहीं है। जो PWD का गलत रास्ता होता है वो 16 क्रम का, उस 17 क्रम से एंड PWD लैंड बाउंड्री से 30 मीटर शुरू रोड एक्ट लगता है, जिसके अंदर पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो निशान लगने के बाद ही हटेगा। वो जब तक निशानदेही नहीं हो पाएगी, जब तक वो जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन है वो जब तक डिसाइड नहीं पाएगी, तो वो निशानदेही होंगे सर। फीस भर दी मैंने जी, मेरा काम है जी। क्या है ये? हमारी एक पुरानी सब्जी मंडी है जी गांव में, वर्षों से चल रही थी जी वहाँ। तो जिनकी वहाँ ज़मीन थी, तो उन्होंने वहाँ 2 एकड़ों की ज़मीन है, उसमें उन्होंने दुकानें बना दी और सब्जी के कुछ जो आड़ती हैं वो उसमें बैठ गए, अब वो शुरू हो गई। इनका ये कहना है जो करनाल रोड पर प्राइवेट अपनी उसमें वो अब वो चल रही है जी, पिछले 8-9 महीने से जी। हाँ। मेरे ख्याल का जनवरी से चल रही है। तो दुकानें भेजती ना, गड़ गड़ के दुकानें भेजती। तो इनका ये मानना है कि भाई वो 30 मीटर के दायरे में दुकानें नहीं बना सकते, जो रूल कहता है शायद, तो इसको एक बार या तो पेंडिंग कर ली मुझे। इनका ये कह रहा है कि जो दुकान बनी है वो गलत बनी है। हाँ जी, उसके अंदर जी होना है, इनका सब्जी मंडी का नहीं है जी कुछ भी, उन्हें जी दुकानें बेच देती है जी, दुकानें बढ़ा दीजिए, लेकिन सब्जी का काम करने लग गए वो चल गई मंडी। हाँ जी, अच्छा इनका भी सब्जी मंडी खड़का पता नहीं क्या, इनका भी कोई काम है एक दुकान इनका पुरानी मंडी में, पुरानी मंडी का बाजार थोड़ा कम हो गया। ऐसा नहीं अशोक जी, 2 करोड़ में जगह लेना जी, 1 किला जी, 1 किला जी 40 लाख की जगह लेना जी, ये भी चलते जी। फिर वहाँ जी दुकानें बेच रहे हैं, 25 दुकानें बेच दी जी, 20-20 लाख रुपये। सुनो जी, दुकानों के कहाँ बेच सकते हैं दुकानें जो सब्जी मंडी का बना जी, एक लूट छोट है जी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ जी, वो पहले तो बात हटना चाहिए जी, जो PWD का जो तो टूटना चाहिए ना कम से कम जी, जो PWD की जमीन हो जैसे टूटे है जी, बिल्कुल है जी। पहले डी सी साहब दो दुकान तोड़वाई, PWD की जमीन नहीं है सर, मालिक की जमीन है, बल्कि और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विद इन 30 मीटर बोथ साइड कंस्ट्रक्शन को अलाउड नहीं है, तो है नहीं, मैं भी मानता हूँ नहीं है, अनोथाई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हाँ, जो अपने स्टेट में है हाईवे, उसके क्या है कि छोड़ के इतने जॉन से तभी बनेंगे, ये भी नियम है, नियम तो सारे हैं, पर इनकी दुकान बंद हो गई पुरानी। बिल्कुल जी, दुकान तो बंद हो गई ना अभी जी, फिर भी मैं तो प्रशासन के लिए कर रहा हूँ ना जी, मेरा तो निजी मामला नहीं है, तेरी जिम्मेवारी भी सब्जी मंडी के अलावा और कोई बिल्डिंग बनाई उस पर सरकारी के साथ साथ। तो मुझे बताइए, सब्जी मंडी जो बनी है उसे छोड़ो, उसके अलावा और कोई बिल्डिंग बनी? हाँ, उस रोड पर जी, उस रोड पर पैलेस है और राइस मिलर है और शोरूम है, उसी रोड सारे बन रहे जी, क्यों भी कृष्ण बन रहे हैं ना। तो शिकायत तो मैंने की है ना जी, जो शिकायत करेगा जो भी तो कार्रवाई चलेगी ना जी, शिकायत तो कोई भी कर सकता है जी, ऐसी सेंटर बनते हैं, सुनो सेंटर बनते हैं, 11-12 में एनओसी लेनी पड़ती है जी, पेट्रोल पंप तक दस्ती ना सके पेंडिंग कर लेते कार्रवाई आपको, तो ये सभी ड्रोन पड़ेगी नहीं, सभी दुकान का मेरा क्या मतलब है, मंडी से क्या मतलब, तो सबको कर देंगे है जी, आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं की दुकानें तोड़ो,
नहीं बनाएगी तब तक, नहीं बढ़ाएगी तब तक हम किसी आदमी को मंडी का नई मंडी बने छोटी मंडी हुई बाहर निकाले मंडी पर काम तो करेंगे ना लोग पैसे कमाने के लिए बनाएंगे सरकार को प्रपोजल भेजे हम ये नहीं कर सकते बंद नहीं कर सरकार को प्रपोजल भेजेंगे इस मंडी को बढ़ाया जाए मंडी पहले पुरानी है जी पुराने वाले नहीं है बाहर आ गए ना पहले कल तो बढ़ा लो जी सरकार का ऊपर भेज दिया ऊपर भेज दिया जी मंडी बनाओ सरकार ही बनाओ जी ऊपर भेज दिया मंत्री जी पता करना मेरा मतलब क्या जी मैं मतलब मेरा कोई होगी जी उन्हें जो सब्जी मंडी बनाई उनका जी सब्जी मंडी बनाई कोई बात कोई बात दुकानें बेच रही 20-20 लाख रुपये देखो नहीं ये सर मेरे कमाल कर रही आप दुकानें बेच रही देखो इस पर काटो सुनो जी सरकार पे भेज दे हमारे विधायक जी चार 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 आदमी ने अपने नाम कराएगी उपजाऊ जमीन जी कोई बात नहीं आराम से बता दो आप कोई नहीं आप उपजाऊ जमीन जी एग्री का लैंड बोलते हैं जी ये 2021 में हुई जी पहले महीने में अच्छा उसके बाद जी चार आदमी ने नाम कराई जी चार आदमी नाम कराई उसके बाद बेच रहे जी छूटे में जी तहसीलदार रजिस्टर कर रहे हैं जी सात मिले रहे जी सात मेरे पास रुपए जी पाँच छः हो जी नहीं हो जी मैं जुम्मन हूँ मैं देनदार हूँ मैं तो प्रशासन की मदद करना है चलो दोबारा फिर बनवा दी जी क्या मतलब है इस चीज का जी जो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट मैं इस केस को पेंडिंग रखूँ कितने निष्ठी हूँ सरकार को चुना है और आपने मंडी सेटलमेंट आपने मंडी बनवा दी और आपने क्या है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कह रही इस तरह की अनुत्थान मार्केट अनुत्थान इकोनॉमी इस तरह की नहीं बननी चाहिए इसकी इंक्वायरी करो इसकी मुझे अभी मुश्किल तक इसकी पूरी दृष्टि कहूँ कितनी दृष्टि हूँ और क्या सरकार को इन्हें कोई दिया इसने तो उसकी हमारा दिमाग ठीक हो गया भाई जिनने मार्केट ऑप्शन ली ऑप्शन में वो तो खत्म हो गए और जो लोग अनौपचारिक मार्केट बना के थे खत्म हो जाएगा व्यापार ठीक है अपनी बात कर रहा है तो असम दृष्टि करते अरे आपने कभी तो है ना तहसीलदार ने मंत्री जी वहाँ ऑप्शन वाला तो मैटर ही नहीं ऑप्शन कौन करेगा मेरा विधायक जी मैं आपकी बात से दो प्राइवेट है जी मैं ये नहीं कह रहा जो उनमें मंडी सब्जी मंडी पे उनका लाइसेंस है सब सब्जी मंडी सरकारी लाइसेंस है वो ठीक है प्राइवेट आदमी किसी आदमी को के उसके जो अपनी मंडी बसा देता है देता है तो सरकार को देखिए ये लोगों के लाभ नहीं मंत्री जी जो अब ये नई मंडी है ना सब्जी इसका लाइसेंस नहीं है इसकी तो पुरानी का लाइसेंस है इसका तो नहीं है क्रिशन इसका लाइसेंस नहीं है हाँ इसका लाइसेंस नहीं है इस मंडी का लाइसेंस नहीं है इसका लाइसेंस आगे आगे इसका लाइसेंस नहीं है उस
जितने भी लाइस उसका तो है जी, उसका तो है, अंदर वाली का तो है, इसका नहीं है। नहीं नहीं, पीछे दो दुकान ने तोड़वाई नहीं थी, किस हिसाब ने ऑर्डर दिया? मैं हाथ तड़ी साथ दुकान उसी टाइम आपके पास आ गया जी। चौमर सौ का जगह आपकी एक एकड़ जमीन शहर में हो या बाहर हो, वो आपके अंदर अधिकार है सर। जहाँ पर अगर एक एकड़ शहर के अंदर है तब भी आपका सर उसकी जुरिस्डिक्शन गाँव की नहीं है मंत्री जी, गाँव पंचायत है जी। पंचायत है जो एक एकड़ से कम है निगम का अधिकार है तोड़ने का सर। अगर निगम के अधिकार में निगम अगर मान लो एक एकड़ अगर निगम वाले नहीं करते तो डीटीपी जो होता है वो इन्फोर्समेंट भी तो कारण होता है। डीटीपी इन्फोर्समेंट भी आपकी सर सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी जो पावर है वो वहाँ पे है जहाँ पे उसे उसे बाहर नहीं है। डीडीपीओ साहब आगे एक बार इन्होंने कंप्लेन की कंप्लेंट नहीं थी, कोई और कंप्लेंट मेरे पास आई थी और पिछले वीसी साहब थे उन्होंने मेरे को कंट्रोल लेकर प्रपोजल बनवाई थी, वो सरकार को गई हुई है और अभी तक वो आपने तोड़ कैसे दी सर? मैंने तो तोड़ी ना। किसने तोड़ी है? वो तोड़ी है जी, दो दुकानें तो टूटी थी जी। किसने तोड़ी है वो पता नहीं किसने तोड़ी है, तो अधिकार ही गए थे, कौन गया था वहाँ? दुकानें तो टूटी है जी वहाँ, ये तो मेरी मेरी जानकारी, दो दुकानें टूटी है। हाँ उसकी यूकी दो दुकानें तोड़ी है उन्होंने, थोड़े दिनों बन भी गई हूँ। बिल्कुल जी 19 से धज्जिया उड़ रही है दृष्टि होता है, मेरे जुरिक्शन नहीं आते अधिकार तो है डीसी साहब, आप आपकी कर ले गलती हो रही है, मेरा अधिकार है, मैं आपने आपने दिया आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने बारे शपथ पत्र पेश किया। 21/9/21 को SHO तत्कालीन SHO व DS के सामने इसका सत्यापन किया। इसके उपरांत इन्होंने 2/10/21 को एक कंप्लेंट दी, अकीलपुर जबरदस्ती किसी ने जायज बनाया है, जिसकी दोबारा से तस्दीक की गई और इसके बयान आतंकित किए गए, वो सिटी थाना के अंतर्गत एरिया उसका आता है, उसकी भी दोबारा तस्दीक की अरब जयंता से तस्दीक करने पर बयान से मनिका व राजेंद्र की आपसी सहमति से संबंध बनाने बयान हुए। दिनांक 28/8/21 को शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से राजेंद्र के साथ होटल स्काई में जाने पाई गई।
जिस बात का पति को पता चलने पर शिकायतकर्ता द्वारा उसके पति के दबाव में आकर अभियोग अंकित कराना पाया गया। शिकायतकर्ता राजेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, जिस संबंध में शिकायतकर्ता ने स्वयं एसपी साहब को एक शिकायत 1273 पेशी देनी पाई गई है, जिसकी जांच डीएसपी साहब द्वारा की गई, जिस पर भी मुकदमा दहकाव और दबाव में दर्ज कराना पाया गया है, जिस पर मुकदमा आ जाने निरंजन रिपोर्ट 13/21 को लिखी गई। ज्यादा सुनने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं गई। भाई मेरा बेटा उठा लिया, इसलिए मैंने फिटर उठ दिया था। उसके बाद भी प्रशासन ने वहां जाकर कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैंने ये भी लिखित में दिया कि वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, मेरे बेटे को उठा के ले गए हैं। उन्होंने बोला अगर आप फिटर तू नहीं देगी तो तेरे को तेरे बच्चे को मार देंगे, इसलिए मैं आज भी वहां से मकान खाली कर रखा है अपना। एक मैंने किस्तों में मकान लिया था, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के आज मैं किराए पे बैठी हूं। मेरे चार बच्चे, आप बताओ मैं कैसे पालूं उनको। मैंने इतनी कंप्लेंट दी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर क्यों नहीं गई, फिर तो मैं एफिडेविट देना जरूरी था। बताओ मैं कहां जाऊं? डीसी साहब से भी मिली, एसपी साहब से मिली, इनके पास भी गई, इन्होंने इनको भी वहां पे मिलने दिया क्योंकि इनकी बरादरी के वहां पे काम करते हैं। इनके को ठीक है, बताइए मैं कहां जाऊं फिर? नहीं जी, मैंने नहीं पता उन्होंने वकील के कहाँ कराए कहाँ नहीं। जिस दिन मेरे पास साइन ले गए हैं। आपकी कार्रवाई चाहते हो? हाँ, मेरे को कार्रवाई चाहिए। पर ये बताइए सर, कोर्ट केस है आपका? हाँ जी, कोर्ट केस का नाम। हाँ केस, ये बताइए मेरी गलती क्या? उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, थाने में भी मेरे साथ बदतमीजी की। अगर इन्होंने चलान काटना था फिर ऊपर आप क्यों उठाया? अगर गलती क्या थी मेरी बताइए मेरे को। अब कहा जाए मेरे छोटे छोटे बच्चे? अगर प्रशासन कुछ नहीं करना चाहता तो मेरे को तो अंदर कह सकता है। मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, जी के क्या करूँगी? सिर्फ एसपी साहब को मैंने यही बोला था भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। बताइए क्या किया मेरे इन्होंने? तो मेरे को ये नहीं पूछा गया मैं आपके साथ क्या हुआ, तो मैंने लिखित में पहले ही दे दी थी। आप कराते कार्रवाई करेंगे? मैं ना फर्क करूँगा तो करवा दोगी? ये बताओ इतने दिन से मेरे को क्यों फिर वहां लग रहा है? आज मैं घर से रह कर रही हूं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। बताइए आप भी कुछ नहीं करेंगे? अगर 10-15 दिन के अंदर कार्रवाई कर ली जाए मेरा अगर मुझे एक भी दिखाई दे गया सर, ये हटा दीजिए सर। हटा दिए आपको बताइए सर, कोई टेंपरेरी अगर एनवायरनमेंट का रोल फॉर करने का सिंपल सा तरीका है। अरे आपको प्रोग्राम में सुन लीजिए, जो बैठने लग जाते हैं ना, ये लोगों ने लाखों में दुकान दिए, प्लॉट दिए, कहां जाएंगे लोग? सारा तुम लोगों ने सारा नाम पीट दिया ऊपर। सर हमने साफ से कहा कि तुम दरखास्त कर नहीं गए हमारे घर उसने का घर ये पीछे कटे आपके पीछे से कि वो लेकर ये आपको पता नहीं है इसमें सर हम मेरे को भूल तो जाती होगी ज़्यादा देर में सुबह सर के वो नहीं बात करने का हम लोग करते हैं सर क्या काम है सर मेरा उधर बड़ा क्या काम है काम मैं तेरे से होता है उसका नक्शे पास करना कंप्लीशन देना इतना कंप्लीशन दे दो सर। अभी एक्चुअली मैं हो गया सर 9 दिसंबर 2021 को इवेंट किया था, तकरीबन 5 मंथ हो गए। कब्जे भी हटाना आपका काम है जी सर? उसके लिए सर मैं 20/4/2021 को सर नौकरी पे गया था, जो ये कह रहे हैं वहाँ गए थे सर। मैं उसी हिसाब से हमारे दो मजिस्ट्रेट थे, लेकिन मौके पर सर उनका स्टे पाया गया। इस पर नक्शे पास करना
कंप्लीशन आपका कर देना, सर्वे आपका काम करना, इंटरव्यू आपका करना, आपको बैठा ही सारा कब्जा हुआ पड़ा है। आपने क्या कर दिया? एक मौका अगले तक नहीं करा, मैं दोनों ब्लॉक काले करूँगा, दोनों यही स्टेट करूँगा। विधायक जी के नोट्स में भी बात है जी, प्रधान जी के नोट्स में भी बात है जी। ये भी खा रहे हैं जी, ये देखो वहाँ पर नशा भी बेच रहे हैं जी, नशा बेच रहे हैं हर तरह का आस्था जी। अब ये चलेंगे एक मिनट सर, ये दूसरे देखो ये उसी की है सर, ये सारी उन्हीं की है जी, जो कब्जा करते हैं इन्होंने। ये पीर पे ये काम होता है, रात को ये डीजे लगाते हैं, नाचते हैं, ये काम होता है सर। ये पीर पे अपनी दस्त डाल के मारे जी। अब ये छठे महीने में सर मेला भरेगा, डेढ़ जी तो वहाँ जाने का दम भी नहीं रहा, बस इतनी छेड़छाड़ हो रही उधर। क्या नाम आपका? सर इसमें ये जगह जो है 15-16 में लाइसेंस तो देगी सुरजीत सिंह वगैरह, उन्होंने ये लॉकडाउन के दौरान अच्छा कब्जा छोड़ दिया बिना वो डिपार्टमेंट छोड़ पाए, और इस पर जो है कंप्लेंट वगैरह ये कब्जे में आए हैं पीछे के, इसके मुताबिक जो है हमने कंप्लेंट जो है एस पी साहब को भी थाने में दर्ज कराई हुई है जनवरी 22 को, उसमें जब पुलिस ने टोकर लगाया तो सुरजीत सिंह वाला हमने क्योंकि मतलब बताया भी हमारा मतलब 6 लाख रुपये तो पुलिस के दबाव से सुरजीत सिंह होने को बैठी है पुराना पैसा भरने के लिए तैयार हुआ, और ये उपेंद्र सिंह वगैरह ये आए थे कह रहे हम आपको उसका पैसा उसके देते हैं बैठे जो वॉकर कोर्ट की जमीन है कितनी हो गई सर? ये जमीन टोटल तो 4 एकड़ है सर, कुछ में दरगाह है और 2.5 एकड़ ये जो है अगेंस्ट रेंट के लिए। इनको आपने पैसा सर? हाँ सर 2 लाख रुपये इन्होंने पहले भरे थे। 2 लाख तो सुरजीत सिंह जो पानी कमेटी 2 लाख रुपये आपकी फीस है दरगाह की? दरगाह तो ऐसे सर पर ही है 2 लाख रुपये साल की इस बात की फीस है सर, वो मेंटेन करते हैं उसको देते हैं उनके पास लाइसेंस जाती है लाइसेंस भी सब देते हैं सर। लाइसेंस दरगाह आपको लाइसेंस देते हैं? कुछ खर्चा भी करते हैं और पे कराते हैं तो 2 रुपये सर वो कमेटी तो दरगाह में 2 लाख रुपये आपको मिले, आपको खर्च करते हैं और पे सर वो कमेटी करती है जिनको लाइसेंस दे दी है, तो मेंटेन करने की मौजूद नहीं है। कोई गलत काम करे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आपकी क्या तो आपको तो इसमें बार बार आगे कह के गए जी, जल्दी फोन करते हैं सवाल करते हैं जो कहता है पाए नहीं बना शर्मा जी ये बनना चाहता जी। इधर पूछो जी क्या बात दफ्तर माया जी हम चावा जी जैसे बाबा पीरा जी पारक वाला जी जो अपने कब्जे में मेला ये बक्स बोर्ड अपने कब्जे में ले रहे सर, वैसे सर सर अपना प्रोविजन चेक कर लेते हैं सर, ये बता नहीं पा रहे उस तरह से, हमें प्रोविजन भी चेक करने पड़ेंगे जैसे आपने प्रशासन ले रही है चीजें कुछ जानकारी लेते हैं पूरी, और एक हफ्ते के अंदर ही हम डिसाइड कर देंगे क्या हमें कार्रवाई करनी है, एक हफ्ते का सर। थैंक यू। हाँ जी हाँ मेरी बाइक है सर,
शिकायत के बाद किया गया सर जांच करके और भी गैर कानूनी तरीके से, और 100 कार्ड उसके अंदर लिखा हुआ है भी फर्जी पाए गए थे। उन कार्डों की कोई शिकायत नहीं करी। एएफएसओ दलीप कपूर जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने लिख के दिया था ऑपरेटर को भी इन 100 कार्डों को जो फर्जी हैं डिलीट कर दो, लेकिन उन कार्डों में तो कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। मेरे पास ये रहे नंबर सर, वो डिलीट करवा दिए इन्होंने। उसकी मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग भी है, ये खुद मान रहे हैं अभी हमने इनको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन रिकॉर्ड से डिलीट कर दिए गए हैं। ये सर आप 2018 से आज तक हमारे को भी गुमराह कर रहे हैं और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। 100 राशन कार्ड को सामान मिलता रहा हाँ जी, उनको गेहूँ चीनी चावल मिला आपको? उनको जब वो थे है ही नहीं थे सर, वो डिपो होल्डर खाता था ना। फर्जी वो डिपो होल्डर खाता था सर। कौन डिपो होल्डर? साधु राम वार्ड नंबर 10 जी। इनकी जानकारी में है? हाँ जी है जी। उसके बाद एक लेना चाहूंगी ये टीका के डिपो होल्डर, इनकी आपस में जबरदस्त रंजिश है, जिसके खिलाफ ये शिकायत कर रहा है उसका डिपो रद्द हो चुका है और FIR भी दर्ज हो चुकी है। वो हाईकोर्ट ने उसको रिमांड पे भेजा है साहब के पास 18 को दोबारा डिसाइड। ये सन 2018 की बात कर रहा है सर। साधु राम डिपो होल्डर रद्द हो चुका है, उसकी FIR हो चुकी है और केस रिमांड पे हाईकोर्ट ने भेजा है दोबारा। सर वो रिमांड भी हाईकोर्ट से मैंने ही करवाया, लेकिन ये 100 कार्ड वो है जिनकी जांच हुई नहीं सर। ये कहना जो 100 कार्ड है वो जांच हुई नहीं सर। जानकारी तभी तो हमको मिली है, लड़ाई हुई सर उसकी। आपने जानकारी नहीं देना किसी को? जी सर भाई आपका महत्वपूर्ण चिंता ही है, जो दो डिपो होल्डरों की लड़ाई हुई तभी तो पता लगा कि 100 फर्जी है। ये उसका डिपो रद्द हो गया सर। भाई डिपो होल्डर वो भी डिपो वाला था, वो धन्यवाद मेहरबानी आशीर्वाद ज़्यादा हो गए तो कम होगा लड़ाई होगी। उन्हें आप उसमें शिकायत बात हुई कि 100 जो राशन कार्ड है तो ये है क्या? ये ADC साहब ने इंक्वायरी करी थी, उस टाइम कुछ भी प्रूव नहीं कर सका। मैं आपको सर लिस्ट और उस महीने की सेल देता हूँ सर। आप 83 कार्डों की अगर उनकी जांच में कहीं एक नंबर भी पाया जाए तो आपके सामने रख देता हूँ सर। और जिसने डिलीट किए हैं वो तो ये मान रहे हैं कि हमने डिलीट कर दिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इनके मुलाजिम की रिकॉर्डिंग सुनाना नहीं चाहता इतनी बड़ी सभा में। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, सारे सबूत हैं, लेकिन ये उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद ये रहे हैं जब ADC साहब ने जांच किया प्रूव नहीं कर पाए उसको बताइए कौन सी सर? ADC साहब ने जांच की है सर, वही जांच है जो ऑर्डर मैंने आपकी सभा में हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के चैलेंज किए थे, वही ऑर्डर है सर। ADC ने जांच करी तो सर उसके बाद जब ADC ने जांच की जब वो है आप पास? मैं गया हूँ सर उनके पास, मेरी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की वहाँ पे। हाँ DC साहब ने मेरे को सुना, उसके बाद इन्होंने उसका डिपो रद्द किया। पुलिस से करा दो जांच पुलिस से करा दो क्या विजिलेंस से करा दो जहाँ से मर्जी करवा दो। आपका मन कहाँ है? मेरा मन तो यह है मेरा प्रशासन पे और DC साहब पे, फिर DC साहब पे विश्वास है मेरा, ये करते हैं खुद सर जिससे मर्जी करवा दो। इनको बुलाना इनके प्रूफ को लेना ये मानना सर DSP देना भले आप जिससे मर्जी जो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगले मीटिंग तक बैठना ठीक है।